যার জন্য শুনেগে শ্রীমতী শান্তনা নন্দী মা, শান্তনা নন্দী মা কো নিবেদন করুগা, মা আপনার টাইম বহুত কম হ্যাঁ, 8 সে 10 মিনিট কে অন্দর খতম করেঙ্গে, আপ জলদি শুরু করিয়ে। শান্তনা নন্দী মা জয় গুরু, আওয়াজ আ রই হ্যাঁ? হ্যাঁ মা, আওয়াজ আ রই, মা সময় বহুত কম হ্যাঁ, 8 সে 10 মিনিট কে খতম করনা মা। ঠিক হ্যাঁ, আমার ইষ্ট দেবতা আপনাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম, পরম আরাধ্যা জগজ্জননীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম, পরম আরাধ্য শ্রী বরদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম, আচার্য দেব দাদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম, শ্রী দেবতা পাঞ্জাদেহী কর্মী, আমার ভক্তিমতী মা ভক্তিমতী দাদাদের আমার আন্তরিক আনন্দিত জয় গুরু। আজ জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি 127তম জন্ম জয়ন্তী হ্যাঁ, আজ বহুত খুশি কা দিন হ্যাঁ। আজ হম লোক কেন্দ্র মে মনাতে থে, পর আজ ঘর মে মনানে কি মৌকা ভি দে দিয়া ये वायरस। আজ ঘর ঘর মে উৎসব হো রহা হ্যাঁ, পুরে বিশ্ব মে ঘর ঘর মে উৎসব মনা রহে হ্যাঁ বর্মা কো লেকর, ইয়ে ভি এক খুশি কি দিন হ্যাঁ। अभी आज जन्म जन्म दिवस है, इसलिए वर्मा की जन्म का बारे में ही मैं बताऊंगी। बताते हुए मैं आगे शुरू करती हूँ मेरी बोलना। प्राचीन काल से आर्य भारत वर्ष में प्रति घर घर में श्री और धन ऐश्वर्य के लिए धन ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माँ की पूजा चली आ रही है। जुग जुग में जैसे पुरुषोत्तम नारायण पुरुषोत्तम इस धरती पे आते हैं और साथ में नारायणी लक्ष्मी माँ उनके साथ साथ में अवतीर्ण होते हैं नारी की कल्याण की पथ प्रदर्शन के लिए। इस युग में जुग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए और साथ में लीला संगिनी परमाराध्या वर्मा की वर्मा भी आए। वर्मा की जन्म इंग्लिश 1894 में और बांग्ला में 1301 सन 14 श्रावण कृष्णा द्वादशी पक्ष में रविवार को करादह ग्राम पावना से थोड़ा दूर में ये गांव है और श्री रामगोपाल भट्टाचार्य जी उनके पिता थे और माता त्रिनायनी देवी की गोद में आलो करके ये सरसीवाला देवी माँ जगत जननी आविर्भूता हुए हुए इस धरती पर धरती को धन्य बनाए। तो उनका प्रथम संतान था, रामगोपाल भट्टाचार्य जी का प्रथम संतान बांग्लादेश की देश में उनका जहाँ अभी बांग्लादेश में है वो गड़ादह ग्राम। तो प्रथम कन्या हुआ, कन्या होते ही जैसे शंख बजते हैं और पड़ोसी आए देखने के लिए, इतनी सुंदर फुटफुटे मतलब बहुत सुंदर लड़की को देख करके किसी ने बोला कि त्रिनायनी के पेट से एक फटिक जन्म लिया है तो इसका नाम फटकी रखा जाए, ये शैशव का नाम है। लेकिन इसके पीछे कहानी है वर्मा की। जन्म का एक दिन पहले त्रिनायनी देवी ने एक सपना देखा था और सपने में उन्होंने देखा कि कैलाशवासिनी देवी उनकी माँ लक्ष्मी पूजा की आयोजन किया है और उसमें लक्ष्मी का जो झांकी होती है जिसको पूजा किया जाता है उसमें से एक सुंदर सी लड़की लाल चेली पहन के और छोटी लड़की गुटी गुटी पैर में आकर के त्रिनायनी देवी में समा जाती के और उनका नींद टूट जाता है, त्रिनायनी देवी का नींद टूट जाता है और उसने कैलाशवासिनी को कहते हैं कि कैलाशवासिनी उनको बोला सुबह का सपना सत्य होता है, ये किसी को मत बताना। वर्मा का शैशव का शिक्षा कैलाशवासिनी देवी के घर में ही हुआ है, नारी का शिक्षा 8 साल तक उनको यही शिक्षा मिली।
कैलाशवासिनी देवी से। वर्मा की चाल चलन, वाक व्यवहार ये सब जो थी ये सब कैलाशवासिनी से ही सीखी थी। ये हम लोगों को जीवन चेतना के लिए एक महासंपद है। वर्मा अपना कैलाशवासिनी देवी और मामा मामी इन लोगों के आदर में 8 साल तक वहीं पर थी। और फिर उसके बाद में पावना शहर में रामगोपाल भट्टाचार्य जी अपना बेटी को लेके आए। और फिर त्रिनयनी देवी का एक निमंत्रण आया हिमायतपुर से। हिमायतपुर में त्रिनयनी देवी का मामा का बेटी उनका देवर का उपनयन था और त्रिनयनी देवी बच्चों को लेकर के वहाँ आए। उपनयन का दिन में उनके घर में जब तक उपनयन का क्रिया संपन्न नहीं होता तब तक खाना का बंदोबस्त बगल में चक्रवर्ती बाड़ी यानी हमारी ठाकुर जी का घर में किया गया था, बाड़ी में किया गया था। त्रिनयनी देवी अपना बच्चों को लेकर के वहाँ आए और वहाँ कृष्ण सुंदरी देवी ठाकुर जी का दीदी दीदी माँ, बांग्ला में दीदी माँ बोलते हैं मामा का माँ का माँ को, उन्होंने खाने परोस रहे थे, सबको दे रहे थे। और वहाँ अनुकुल ठाकुर उस समय बालक थे 14-15 साल की और उन्होंने भी सुंदर बैठ करके खा रहे थे। त्रिनयनी देवी ने उनको देखते ही रहा, उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और आकर के जैसे आया और कृष्ण सुंदरी देवी ने बोला त्रिनयनी अपने बच्चों को यहीं बैठा दो, अपना बेटी को मेरी नाती का बगल में बैठा दो, अनुकूल का बगल में बैठा दो। अनुकूल ठाकुर तो जैसे ही सुना उन्होंने खड़े हो गए कि हम किसी लड़की के साथ नहीं बैठेंगे। तो कृष्ण सुंदरी देवी ने उनको मजाक करके कहा इसी से तुम्हारी शादी कराएंगे। किस्मत की फेर ऐसा ही है कि 2 साल बाद में जब 10 साल से 11 साल हो चुकी है सरसी वाला को और उनकी जब खोज रहे थे शादी का सोच रहे थे तो त्रिनयनी देवी का उस बालक की याद आए और उनका पति से कहा। और फिर ये लोग बातें कर रहे थे सोच ही रहे थे इतने में अनुकूल ठाकुर की जो पिताजी शिवचंद्र चक्रवर्ती महाशय उन्होंने ये रिश्ता प्रस्ताव लेकर के उनके घर पहुंचे। दोनों में बात हो गई और 1313 साल की बांग्ला में 1313 27 श्रावण सोमवार को ठाकुर जी के साथ में वर्मा की शादी हो गई। छोटी सी उम्र और वर्मा आई ससुराल और हिमायतपुर में आकर के उन्होंने आते ही अपना पति को ठाकुर जी को देवता के आसन में बैठाए थे। और तब से ठाकुर जी का सेवा, बांग्ला में बोलता है काय मनोभक्त सेवा, मतलब उसमें कोई फाप नहीं था। जैसे मैंने अभी बिना माने वो कहा बहुत सारे बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बातें बोला। फिर सविता दी भी बोली तो ये सारे चीज ऑलरेडी हम लोग जानते भी है। तो वर्मा ठाकुर जी का सेवा कैसे करते थे, सारे सबका सब काम करते हुए फाके फाक माने बीचे बीच में ठाकुर जी को देखते रहते थे, ठाकुर जी का ख्याल रखते थे, कब क्या जरूरत है देना, कब क्या करना है, ये सब देखते रहते थे। वर्मा गुणों में महासागर। वर्मा की गुण की बात हमारा क्या क्षमता है कि उनके बारे में हम कुछ कहें। वो तो महासमंदर है, जैसे साहसी थे, साहस का बिना माने कहा भी था उसको जो करवंकल का बात कितना कष्ट सहा था। ऐसे साहस बहुत कुछ है। तो मैं आज एक छोटी सी कहानी बताएंगे वर्मा का। वर्मा इच्छामयी था, अंतर्जामी भी थे। तो एक कहानी में उनके ये
हमारे दासुदेव घोष, वो अभी भी है डालखोला सत्संग विहार में रहते हैं, उनका देखभाल करते हैं, वहीं पे रहते हैं। उन्होंने जब 1969 में देवघर आए थे पहला, उसके पहले उनका दीक्षा हुई और उनका माता जी, उनके बहन सब एक साथ में नाम लिया था ठाकुर जी का, और अपना गांव का भी दो चार भक्त ने सब मिलकर के देवघर आए। लेकिन उनका अंदर बहुत व्यथा था कि हम लोग दीक्षा तो लिए लेकिन ठाकुर जी का स्वास्थ्य शरीर में मतलब देख नहीं पाए, बहुत दुख था। क्योंकि ठाकुर जी तब अपना दयाल इसमें चले गए थे, दयाल देश में चले गए थे जनवरी में। फिर उनका फिर ये भी फिर चलो फिर भी उनका जो उत्तरसूरी है, दादा है, ठाकुर जी का अपना बनाया आश्रम है, ये सब देखने के लिए और आना भी चाहिए गुरुधाम सब आकर प्रणाम किया। बहुत व्यथा हुआ कि नहीं पाया। फिर उसमें माँ को मैंने सुना है माँ बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन दुर्भाग्य है उनको हम कौन सा वेश में देखेंगे। मैं तो इतना दिन सपने में भी उनको मैं उसी रूप को देखते थे कि सुंदर से लाल पाड़ का साड़ी पहना हुआ, सिंदूर पहना, हाथ में शाखा है, बहुत सुंदर थी। और हमें उनको देख अभी कोई देख नहीं सकता था, एकदम पूरे झाक के रहते थे, एक नारी को जैसे एक्चुअल होना चाहिए, इतनी उसका चलन अच्छी थी, कपड़े इतनी पहनने का ढंग इतना अच्छा था, सब सुनते थे लेकिन देखा नहीं था। तो उन्होंने बर्मा के वो लोग सभी मिलकर के बर्मा के यहाँ देखने प्रणाम करने के लिए गए। बर्मा के पास में कुछ महिलाएं थे जो उनको सेवा करती थी, और उन लोगों ने आकर के बर्मा को वहां आए और बैठे और कुछ भोग के लिए बस कुछ लाए थे और वो दिया, भोग का वस्तु दिया। तो बर्मा ने कोई सेविका को बोला कि ये भोग टाइम हो रहा आपका, मेरा फिनिश भी होने वाला है। इतना कह करके सब प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे उठा उसे देखा कि बड़ी माँ एकदम सफेद वस्त्र में बैठी। अभी न प्रणाम करते समय उन्होंने देखा लाल पाड़ साड़ी और बहुत सुंदर लग रही थी उनको, जैसे साधुभाव होता है, और जैसे प्रणाम करके उठा उनको विधवा रूप देखा। अभी भी दासुदा ने कभी कहते कि इसका जवाब और ये प्रश्न का कभी हमको नहीं मिला, ये अंतर्जामी है और ये अंतर्जामी है जगत जननी है, ये सबका बात समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये महालक्ष्मी है, इतना कहते हुए ये सबका मंगल कामना पुरुषोत्तम की चरणों में परमा के चरण में रखती है। मेरी वक्तव्य को मैं समझ कर जय गुरु महा जय गुरु बहुत धन्यवाद। बहुत सबको समय अंदर अच्छी बात रखे, परमा का जो जन्मांतर उनकी लड़ा बताए, और माफी चाहेंगे समय वो तो कम था इसलिए टाइम देने पे हम, और आगे सुनेंगे आपसे। ठाकुर श्री राम प्रार्थना करते आप शांति सुखी शुद्धि की जन कामना करें।